Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. Welcome to Salar Khan YouTube channel, where today we discuss what the previous entry test questions. So, heading में देता हूँ जी, हमने chapter already complete कर लिया है काफी detail में, और आज हम देखते हैं जी के entry test से इस chapter में से किस तरह के सवालात आते हैं. और मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि इसमें से मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस आप खुद हल कर सकते होंगे. क्यों? क्योंकि मैं ऑलरेडी ये एक्सप्लेन कर चुका हूं, और मैं आपको ये भी बताता हूं कि एंट्री टेस्ट में आपका कॉन्सेप्ट चेक करते हैं, कैलकुलेशंस उसमें नहीं होती, आसान आसान से सवाल होते हैं जी. सही है, आप सिर्फ मेरे साथ देखते जाए. क्वेश्चन नंबर 1, 2005 में ये आया हुआ है, ठीक है. इफ द एरिया ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, देन द रेडियस ऑफ द सर्कल इज व्हाट. तो कह रहे हैं कि अगर सर्कल का एरिया बराबर है उसके सर्कमफेरेंस के, तो उसका रेडियस कितना होगा. तो आपको पता है कि एरिया ऑफ अ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर्ड होता है, और सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल 2 पाई आर होता है. तो देखे ये कह रहे ये दोनों इक्वल है, इक्वल हो गए तो पाई पाई के साथ कट गया, एक आर आर के स्क्वायर के साथ कट गया, तो रेडियस ऑफ द सर्कल 2 आ गया. ये एंट्री टेस्ट का सवाल है जी. सेकेंड है कि जी द एंगल सबटेंडेड बाय द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल एट इट्स सेंटर. तो हमने पढ़ा था थीटा जो कि प्लेन एंगल था, तो क्या थीटा एस अपॉन आर नहीं था. बिल्कुल था. तो ये कह रहे थे एंगल सबटेंडेड बाय अ सर्कमफेरेंस. तो मैं आपको ऑलरेडी ये पढ़ा चुका हूं जी, आर लेंथ जो है वो बराबर हो जाएगा सर्कमफेरेंस के 2 पाई आर अपॉन आर, आर आर के साथ कैंसिल, द आंसर इज 2 पाई रेडियन. क्या मैं आपको ये नहीं पढ़ा चुका? बिल्कुल पढ़ा चुका हूं. ये 2005 का सवाल है, ठीक है. अच्छा, और 2 पाई रेडियन 360 डिग्रीज होता है. थर्ड देखिए जी, द डायमेंशन ऑफ टॉर्क आर, द डायमेंशन ऑफ टॉर्क, टॉर्क की डायमेंशन आपसे पूछ रहा है. तो टॉर्क क्या होता है जी, न्यूटन मीटर होता है कि नहीं होता, न्यूटन मीटर. और न्यूटन क्या होता है, फोर्स, फोर्स का यूनिट है, फोर्स होता है एम ए, और फिर ये मीटर जो है ये लेंथ का है. तो चलिए इसको मैं कैपिटल एल लिख देता हूं. तो ये देखिए किलोग्राम इसका यूनिट हो गया, फिर एक्सेलरेशन जो है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया, और इसका यूनिट भी मीटर हो गया. तो क्या ये डायमेंशन जो है एम, कैपिटल एम फॉर के जी मास के लिए, फिर एल का स्क्वायर और टी की पावर माइनस 2, एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस 2. बिल्कुल है जी, ये 2006 में भी आया हुआ है ये सवाल, 2008 में भी आया हुआ है. फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखिए जी, द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द मेजरमेंट 5.05 इंटू 10 टू द पावर 8, 5.05 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकंड में सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद कितनी है जी. अगेन 2006 में भी है, 2008 में भी है. तो देखे ऑल नॉन जीरो आर सिग्निफिकेंट, जीरो इन बिटवीन इज ऑल्सो सिग्निफिकेंट. तो कितने हो गए जी, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है इसमें, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स 3 है. बिल्कुल है जी. फिफ्थ नंबर क्वेश्चन देखिए, द डायमेंशन ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन. अब ये वो चीज है जो आपने नहीं पढ़ी, ठीक है. द डायमेंशन ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा. तो ये आपको जो है समझ आ जाएगी जब हम चैप्टर नंबर 5 में एंगुलर एक्सेलरेशन पढ़ेंगे, लेकिन अभी मैं आपको थोड़ा बहुत समझा देता हूं. एक होता है जी ये लीनियर एक्सेलरेशन. अब एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी अपॉन एंगुलर टाइम, टाइम सॉरी चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम. और एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है जी, रेडियन पर सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड, और पीरियड डिवाइड बाय टाइम, यानी मल्टीप्लाइड बाय 1 ओवर टाइम. तो रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर इसका यूनिट है जी, और रेडियन जो है प्लेन एंगल है ना. अब देखे मैं आपको चलिए समझाता हूं. एक होता है लीनियर मोशन जो इस तरह हो रहा है, तो इसका मतलब ये एक लेंथ कवर कर रहा है एल किसी टाइम में, तो आप इसकी स्पीड लेते हैं लेंथ बाय टाइम. लेकिन जब एंगुलर मोशन की बात होती है, तो कोई बॉडी जो है वो एक एंगल थीटा कवर करती है इधर से इधर तक, उसने एक थीटा कवर किया किसी पर्टिकुलर टाइम में, तो उसकी जो स्पीड ओमेगा है वो है थीटा अपॉन टाइम, ठीक हो गया ना. और फिर एक्सेलरेशन जो है अल्फा वो थीटा अपॉन एस स्क्वायर. तो थीटा तो डायमेंशनलेस क्वांटिटी है ना, तो इसका मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन का डायमेंशन ओनली टी पावर माइनस
टू हुआ, ये है जी 2007 का क्वेश्चन, ठीक है। फिर कहते हैं डायमेंशन ऑफ एनर्जी आर द सेम एज, तो एनर्जी की डायमेंशन मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। एनर्जी क्या होती है जी, द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क, तो एनर्जी और वर्क की जो है वो सेम ही डायमेंशन है, और जो कि बराबर है टॉर्क की डायमेंशन के भी, सही हो गया जी। अच्छा ये कौन सा क्वेश्चन है, ये 2007 में आस्ट है। नंबर 7 प्लैंक कांस्टेंट की डायमेंशन आपसे पूछी है, तो अगेन चले नंबर 7 E इज इक्वल टू एच एफ, जो इक्वेशन है उसमें से H की आपने डायमेंशन फाइंड करनी है जो कि E बाई एफ होगा। E की डायमेंशन आपको इधर पता है m L स्क्वायर t की पावर माइनस 2 है, F की डायमेंशन t की पावर माइनस 1 है, माइनस 1 ऊपर जाएगा प्लस 1 हो जाएगा, जो प्लैंक्स कांस्टेंट की डायमेंशन है वो आ जाएगी m L स्क्वायर t पावर माइनस 1, ये 2009 का क्वेश्चन है। अच्छा 8 नंबर क्वेश्चन करें, किधर है, अच्छा एक मिनट, प्लैंक्स कांस्टेंट हैज द डायमेंशन ऑफ एनर्जी वर्क लीनियर मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम। अच्छा तो ये पूछ रहा है कि इसकी डायमेंशन सेम है एज एनर्जी या फिर वर्क, तो ये तो नहीं है, हमने देख लिया। और फिर एक लीनियर मोमेंटम है तो वो फाइंड करें, और फिर एक एंगुलर मोमेंटम है और वो फाइंड करें। तो चले मैं इसको लीनियर मोमेंटम कहता हूँ, फिर एंगुलर मोमेंटम के लिए पता नहीं सिंबल क्या यूज होता है, उसके लिए भी कैपिटल एल लिखता हूँ। तो लीनियर मोमेंटम तो एम वी होता है, लीनियर मोमेंटम एम वी होता है, मास इंटू वेलोसिटी होता है, तो एम एल टी इनवर्स, तो ये तो नहीं है, एंगुलर मोमेंटम रह गया, तो एंगुलर मोमेंटम इसका सही ऑप्शन है। एच डायमेंशन आर सेम एज एंगुलर मोमेंटम, और एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो क्या होता है, L इज इक्वल टू आर क्रॉस पी होता है, हम पढ़ेंगे जी, R आपका रेडियस है या डिस्टेंस है, और ये जो है एम वी है, एक लीनियर मोमेंटम है, तो R आपका लेंथ हो गया, M जो है मास है, तो M L हो गया, फिर वेलोसिटी में L T इनवर्स है, तो L स्क्वायर T माइनस 1 हो गया। ये आपका 7th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन क्या कहते हैं जी, द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, अगेन देखे सिग्निफिकेंट फिगर्स आपका इंपॉर्टेंट है जी, 4.0030 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है, 2009 का क्वेश्चन है। देखे 0 इन बिटवीन तो सिग्निफिकेंट है ना, 0 टू द राइट है तो डेसिमल प्लेस है, तो ये भी सिग्निफिकेंट है, तो 1, 2, 3, 4, 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स इसमें है जी, समझ आई। ये भी 2009 का क्वेश्चन, द डेंसिटी ऑफ अ स्टील बॉल वॉज डिटरमिन्ड बाय मेजरिंग द मास एंड डायमीटर, द मास वॉज मेजर्ड विद 1% एंड डायमीटर 3% एरर। तो देखे मास में 1% एरर है, डायमीटर में 3% एरर है, तो बताए कि डेंसिटी में कितना वो होगा, डेंसिटी में कितना परसेंट एरर होगा। तो देखिए आपको पता है डेंसिटी क्या होती है जी, मास पर यूनिट वॉल्यूम होती है कि नहीं होती, बिल्कुल होती है, मास डिवाइड बाय वॉल्यूम कितना है जी, 4/3 पाई आर क्यूब होता है कि नहीं होता, बिल्कुल होता है। तो देखिए 4/3 पाई को तो बाहर निकालें, अब डेंसिटी में कितनी एरर होगी, परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन डेंसिटी होगी, जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी है मास में, और प्लस प्रोडक्ट रूल है जी, तो ऐड करेंगे, लेकिन इसमें तो पावर रूल भी आएगा, तो 3 times द परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ रेडियस, रेडियस ठीक है, और रेडियस क्या होता है, डायमीटर बाय 2 होता है, ठीक होगा जी, बिल्कुल ठीक होगा। तो इसका मतलब वही जो है, आप डायमीटर भी ले ले, चले चले डायमीटर बाय 2 का क्यूब ले ले, डायमीटर बाय 2 का क्यूब ले ले, तो 2 को बाहर निकाले, डी पर भी पावर 3 है, डी पर भी पावर 3 है, ठीक हो गया जी। तो करें क्या थे जनाब, 1% पर, इसमें 1% है, इसमें 9% है, तो 1 + 3, 3 are 9, तो इसमें 10% की अनसर्टेनिटी होगी, 10%। 10th नंबर क्वेश्चन, द डायमेंशन ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, तो यार ये तो हम हजार मरतबा कर चुके हैं, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या होता है जी, तो एफ आर स्क्वायर्ड अपॉन एम वन एम टू, मैं लिख सकता हूँ, F का डायमेंशन हमें पता है किधर है, ये है ना किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और फिर ये L स्क्वायर एक दूसरा, और नीचे फिर M स्क्वायर, तो M देखे माइनस 1 आ जाएगा, M माइनस 1 L क्यूब T माइनस 2, इस तरह है कि नहीं, M माइनस 1 L क्यूब T माइनस 2, बिल्कुल, ये 2010 का क्वेश्चन है। 11 नंबर देखे, डायमेंशन ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट, तो ये तो हम कर चुके हैं जी, प्लैंक्स कांस्टेंट,
इधर भी मैं आपको करा चुका हूँ, देखिए ये बार बार पूछा जा रहा है h इज इक्वल टू ई बाई एफ, एच की जो डायमेंशन है जी क्या है, इधर मैं बता चुका हूँ एम एल स्क्वायर टी माइनस वन, एम एल स्क्वायर टी माइनस वन है, ये अगेन 2010 में पूछा हुआ है। अच्छा 12th नंबर है, द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ स्फेयर बाय इट्स सरफेस एरिया इज इक्वल टू, तो हमने पढ़ा था जब स्फेयर की बात आती है 3D एंगल होती है, वो होती है जी 3 रेडियन सॉलिड एंगल, तो थीटा ओमेगा इज इक्वल टू एरिया अपॉन आर स्क्वायर, तो कह रहे कि जो उसका एरिया है सरफेस एरिया स्फेयर का वो अपने सेंटर पर कितना एंगल सबटेंड करेगा जी, तो वो करेगा 4 पाई आर स्क्वायर, उसका एरिया होता है कि नहीं होता स्फेयर का 4 पाई आर स्क्वायर, और डिवाइड करें आर स्क्वायर पर, तो आर स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, 4 पाई स्टी रेडियन आपका आंसर हो जाएगा। ये 2011 का क्वेश्चन है। 13 नंबर देखें, एल जीरो एम जीरो टी जीरो, नंबर 13 m0 l to the power 0 t to the power 0 कह रही है किस चीज की डायमेंशन है, तो देखिए पहले आपको गिवन है स्ट्रेन, तो स्ट्रेन क्या होता है जी चेंज ऑफ लेंथ पर यूनिट लेंथ, तो देखिए लेंथ लेंथ के साथ कैंसिल होगा, इसका डायमेंशन है, ये डायमेंशन लेस बेसिकली मुझे शो कर रहा है। अच्छा दूसरा ऑप्शन गिवन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है जी, ये मैं आपको सब कुछ बता चुका हूं, द स्पीड ऑफ लाइट इन मटेरियल मीडियम टू द स्पीड ऑफ लाइट, नो सॉरी स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम, अगेन दोनों स्पीड्स है कैंसिल, अगेन डायमेंशन लेस। तीसरा ऑप्शन गिवन है जी मैग्निफिकेशन, मैं आपको बता चुका हूं इस q अपॉन p होता है, p अपॉन q होता है द रेशियो ऑफ द इमेज डिस्टेंस टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, दोनों डिस्टेंसेस है अगेन डायमेंशन लेस, दिस इज अ डायमेंशन लेस मुझे बता रहा है, और ये ऑल ऑफ दिस का डायमेंशन है। ठीक है जी बिल्कुल। 14 नंबर क्वेश्चन देखे, ये 2011 में पूछा गया था, एम एल इनवर्स टी इनवर्स इज द डायमेंशन ऑफ, एम एल इनवर्स टी इनवर्स इज द डायमेंशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम की तो हम फाइंड कर चुके उसका तो नहीं है, दूसरा पावर गिवन है आप खुद फाइंड करें, इंपल्स है आपने अभी नहीं पढ़ा, चलिए मैं आपको कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का बताता हूं, तो वो मैं इधर देखता हूं, ड्रैग फोर्स जो होता है 6 पाई ईटा आर वी होता है कि नहीं होता, बिल्कुल होता है, लेट्स से इधर से मैं ईटा की डायमेंशन फाइंड करता हूं एफ अपॉन आर वी, ठीक हो गया एफ अपॉन आर, आर है या जो भी है वी, एक डिस्टेंस मुझे शो कर रहा है, बाद में देखेंगे क्या है चैप्टर नंबर 6 में देखेंगे। फोर्स की डायमेंशन आपको पता है वहां पे है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये जो है एक मीटर है पर ये मीटर पर सेकेंड है, ठीक हो गया जी। अच्छा अब देखिए ये है किलोग्राम के लिए कैपिटल एम है, पर एल टी पावर माइनस टू, और नीचे क्या है एम स्क्वायर टी पावर माइनस वन, देखे एम माइनस वन एल स्क्वायर टी माइनस वन, देखे एम अच्छा गलती हुई कहीं पे तो हुई, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये एल स्क्वायर है जी, ये एल स्क्वायर है, ये मीटर है ना एल स्क्वायर, इसको जरा मिटाए तो एम आ गया, ठीक है फिर देखे एल और एल माइनस वन आ जाएगा, वन माइनस टू तो माइनस वन, और टी माइनस टू प्लस वन तो माइनस वन, देखे ये कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की डायमेंशन है। अब जब आगे आगे जाते जाएंगे ना तो अब जो है पावर भी हम देख लेंगे, उसकी डायमेंशन भी आपको समझ आ जाएगी, इंपल्स भी और ये ड्रैग फोर्स भी, हमने मेरे ख्याल में पहले भी इस कोएफिशिएंट की जो है तो ये निकाल चुके हैं। अच्छा 15 नंबर क्वेश्चन देखे, 15 नंबर क्या कह रहे जी, द रेशियो ऑफ CGS to SI units for the value of G. तो G की जो CGS value है उसको divide करें G की SI value पर, तो क्या आता है जी SI value तो आपको पता है 6.67 into 10 to the power negative 11 newton meter per kg squared. CGS value आपको नहीं पता, आपके book में भी कहीं mention नहीं है, ये जो है entry test का सवाल नहीं होना चाहिए था, लेकिन चले अब given है तो क्या कर सकते हैं। CGS में इसकी वैल्यू है 6.67 into 10 to the power negative 8, 6.67 into 10 to the power negative 8, और ये है dyne centimeter squared per gram squared,
तो इसकी जब आप रेशो निकालते हैं तो 6.67 के साथ कैंसिल हो जाएगा। यूनिट्स को भी गोली मारे जी सेम फिजिकल क्वांटिटीज का रेशो है तो ये डायमेंशन लेस होगा। 10^-8 है, -11 ऊपर जाएगा तो +11 हो जाएगा, 10^3 इसका रेशो आएगा। 16 नंबर क्वेश्चन देखे क्या कहता है जी, द अनसर्टेनिटी रिकॉर्डेड इन द रेडियस ऑफ अ स्फीयर इज 1.6%। जो रेडियस की अनसर्टेनिटी है वो 1.6% है। द अनसर्टेनिटी इन द एरिया ऑफ द स्फीयर, तो एरिया क्या होता है जी, 4πr² होता है, क्या होता है, चले 4πr² में ले लेता हूं, r के ऊपर स्क्वायर है, इसका मतलब अनसर्टेनिटी के साथ पावर को मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका मतलब द परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन एरिया वुड बी 2 मल्टीप्लाइड बाय द परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ द रेडियस, 2 1.6 3.2%। 2012 का क्वेश्चन है। 17, द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द मेजरमेंट। 17 एक मेजरमेंट है, लेट्स से x है 10.00300, 10.00300, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं? इन बिटवीन जीरो आर सिग्निफिकेंट, जीरो टू द लेफ्ट सिग्निफिकेंट नहीं होते, चाहे डेसिमल हो चाहे डेसिमल ना हो। अगर डेसिमल हो राइट वाले जीरो सिग्निफिकेंट है, डेसिमल ना हो फिर वो अलग कहानी है, उसको छोड़े। लिस्ट काउंट मेजर नहीं है, लिस्ट काउंट मेंशन नहीं है तो वो सिग्निफिकेंट नहीं है राइट वाले, और अगर लिस्ट काउंट मेंशन है तो उसके मुताबिक फिर आपको खेलना आता है। अब इसमें देखिए सारे सिग्निफिकेंट है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इसमें 7 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। ये 2013 का क्वेश्चन है। अ स्टूडेंट मेजर्स अ करंट ऑफ 0.5 एम्पेयर्स, एक करंट आपने मेजर किया है 0.5 एम्पेयर का, तो इसको कह रहे हैं कि जरा उसमें एक्सप्रेस करें प्रीफिक्स में, तो 50 मिली एम्पेयर्स 50 मेगा एम्पेयर्स 500 मिली एम्पेयर्स 500 मेगा एम्पेयर, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो आप देखें 50 × 10^-3, तो -3 को मैं ख़त्म करता हूँ तो मैं पीछे की तरफ आऊँगा, 3 यूनिट्स में पीछे आऊँगा, 0.050 1, 2, 3 यूनिट्स में पीछे आया, क्या ये सही है? ये सही नहीं है। अच्छा 50 मेगा एम्पेयर्स, 50 × 10^6, 6 यूनिट्स में आगे जाऊंगा, 50 1 2 3 4 5 6, क्या ये सही है? गलत है। 500 मिली एम्पेयर्स, 500 × 10^-3, 3 यूनिट्स में पीछे आऊंगा, क्योंकि जब मैं पीछे आता हूँ तो 10 की पावर के साथ ऐड होता है, तो इसका मतलब 1, 2, 3 तो 0.5 एम्पेयर्स, और ये सही है जी, 500 मिली एम्पेयर सही है। अच्छा 19 नंबर कहते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ प्रेशर। सो 19 में प्रेशर का यूनिट आपसे मांग रहा है। प्रेशर आपको पता है जी फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, फोर्स का यूनिट है जी किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, आपको जबानी याद होना चाहिए, और फिर नीचे एरिया का मीटर स्क्वायर अगेन है तो ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा, तो इसका मतलब किलोग्राम मीटर की पावर -1 एस की पावर -2, ये इसका यूनिट है जी, किलोग्राम मीटर की पावर -1 एस की पावर -2, यस बिल्कुल। सिमिलरली आपसे इसकी डायमेंशन भी पूछी जा सकती है, तो डायमेंशन क्या होगी, ML inverse T minus 2। सही हो गया जी, ये प्रेशर का हो गया। अच्छा द प्रीफिक्स टेरा स्टैंड फॉर, तो 20 में आपसे पूछ रहा है कि टेरा क्या होता है, तो टेरा होता है जी 10^12, ये प्रीफिक्सेस आपको याद होनी चाहिए। 21st, during the experiment, one measured the mass of the mosquito to be 1.20 × 10^-5 kg. एक मास है 10.20 × 10^-5 kg, इसमें 1.20 × 10^-5, इसमें significant figures कितने हैं? तो देखे 1, 2, 3 है, decimal point है तो right वाला significant है। पीको जो है वो क्या होता है, पीको तो वो 10^-8 होता है मेरे ख्याल में, इधर चेक करता हूँ जी, पीको होता है 10^-12, टेरा +12, पीको -12। 23rd है जी, द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ मास एंड स्पीड आर 5% और 6%, तो मास में 5% है, स्पीड में 6% है।
द मैक्सिमम एरर इन द मेजरमेंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी में कितना एरर हो सकता है, तो काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ एम वी स्क्वायर्ड, तो m डायरेक्टली 5% और v स्क्वायर्ड पर पावर रूल अप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट रूल के लिए एडिशन और फिर पावर रूल के लिए 2 मल्टीप्लाइड बाय जो वेलोसिटी में है तो 6%, तो 12 प्लस 5 इज 17% काइनेटिक एनर्जी में होगा, सही है जी, बिल्कुल। द साइंटिफिक नोटेशन ऑफ द नंबर 0.0023, ये 24th नंबर क्वेश्चन है जी, 0.0023 का साइंटिफिक नोटेशन, तो आपने साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है, एक नॉन जीरो होगा डेसिमल के लेफ्ट पर, तो इसका मतलब 2 के साथ में मैंने लेकर आना है 2.3, तो कितने यूनिट्स में आगे आया हूँ, 1, 2, 3, तो अगर मैं डेसिमल पॉइंट को टू द राइट लाता हूँ तो 10 की पावर जो है वो सब्ट्रैक्ट होगी, इसका मतलब 10^-3, ये इसकी साइंटिफिक नोटेशन है। अच्छा जी, 25th नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है जी, सपोज दैट ए इज इक्वल टू बी सी वेयर द डायमेंशन ऑफ ए इज एल बाई एम है और सी की जो डायमेंशन है वो एल बाई टी है और जो बी है वो आपसे मांग रहा है, तो देखिए बी इधर जो है आपको ए डिवाइड बाई सी है, तो एल बाई एम डिवाइडेड बाई एल बाई टी या फिर एल बाई एम मल्टीप्लाइड बाई टी बाई एल, एल एल के साल कैंसल, बी की डायमेंशन टी अपॉन एम आ गई, समझ आई। ये बातें काफी थी यहां तक, ये आपके एंट्री टेस्ट के क्वेश्चंस थे जी, आसान दे के मुश्किल दे, और आप बताएं, आप जो है गवाही दे कि ये इसी तरीके से मैं आपको समझा चुका हूं कि नहीं, बिल्कुल समझा चुका हूं ऑलरेडी सबसे पहले आपकी बुक में, बल्कि एक मैंने आपको क्वेश्चन दिया था, पी इज इक्वल टू, मैंने आपको कहा था डायमेंशन में होमोजेनिटी प्रिंसिपल में मैंने आपको गिवन था एक्स वी प्लस वाई अपॉन जेड प्लस टी, एक्स वाई और जेड की डायमेंशन मैंने आपसे पूछी थी, एक्स वाई और जेड की, ठीक है, तो देखिए जेड वाली तो मैंने हमने पहले बताई थी कि आप सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज को ऐड कर सकते हैं, तो जेड की डायमेंशन तो टी ही हो गई, और मैंने आपको क्या बताया था कि पी जो है वो लीनियर मोमेंटम है, एम टाइम्स वी है, तो अगर ये एक्स टाइम्स वी है तो इसका मतलब एक्स मास है, ठीक है, और फिर वाई अपॉन टी है, वाई अपॉन टी है कि नहीं है, इससे मैंने निकालना है वाई को, तो ये बराबर होना चाहिए एम वी के, एम वी क्या होता है, y अपॉन t बराबर होगा m l t माइनस 1 के, इस t को मैं उधर मल्टीप्लाई करता हूं, तो t को मैं अगर दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करता हूं तो t खत्म हो जाएगा, तो ये इसका मतलब y की जो डायमेंशन है वो m टाइम्स l है, m टाइम्स l है, ठीक हो गया जी, बिल्कुल ठीक। अच्छा, आपको कुछ और यूनिट्स गिवन है जी आपके बुक के पेज नंबर 9 पर, तो लाइट ईयर एक यूनिट आपको गिवन है, लाइट ईयर ये है जी यूनिट ऑफ डिस्टेंस, अच्छा डिस्टेंस का यूनिट है, और ये है द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम इन 1 ईयर, तो एक साल में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है लाइट, 1 लाइट ईयर, और ये मीटर्स में आपको गिवन है तकरीबन 9.4607 × 10^15 मीटर है। बाकी आपको इधर एक्सप्लेनेशन गिवन है, जरा पढ़ ले, स्पाइरल गैलेक्सीज लाइक अवर ओन मिल्की वे मेजर अप्रोक्सीमेटली 2 × 10^5 लाइट ईयर इन डायमीटर, तो ये एक एंट्री टेस्ट में आ सकता है कि जो मिल्की वे आपकी जो गैलेक्सी है उसके उसका डायमीटर कितना है, तो 2 × 10^5 लाइट ईयर्स है, अच्छा, और सिमिलरली अवर नियरेस्ट गैलेक्सी स्पाइरल गैलेक्सी एंड्रोमेडा विच हैज बीन डिटरमिंड टू बी 2.5 मिलियन लाइट ईयर्स अवे, ये आप खुद पढ़े जी। दूसरा यूनिट आपको गिवन है जी एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम आपको गिवन है इज ऑल्सो नॉन एसआई यूनिट और लेंथ का यूनिट है जो कि है 1 × 10^-10 मीटर्स, एंगस्ट्रॉम इज 1 × 10^-10 मीटर, या इसको मैं 0.1 नैनोमीटर लेट से लिखता हूँ, इस तरह गलत है, साइंटिफिक नोटेशन इस तरह नहीं होता, लेकिन चले लिख लेते हैं।
हीलियम एटम का जो साइज है वो 1 angstrom है, न्यूक्लियस इसका 1 factometer है, 10^-13 मीटर्स। फिर एक माइक्रोन है जी, माइक्रोन ये तो एक एब्सोल्यूट यूनिट है, इसका मतलब अभी यूज नहीं होता, लेकिन माइक्रोमीटर के लिए ये इस्तेमाल होता है, जिसका मतलब है इसको मैं अगर लिखूं माइक्रोमीटर तो ये होता है 1×10^-6 मीटर्स। रेड ब्लड सेल्स आर अप्रॉक्सीमेटली 10 microns इन diameter, ह्यूमन हेयर इज बिटवीन 10 and 100 microns इन diameter। लिखना चाहते हैं, चले लिख ले। रेड ब्लड सेल्स का जो डायमीटर होता है वो कितना होता है, 10 microns, 10 micron। और जो आपका ह्यूमन हेयर है, ह्यूमन हेयर उसका डायमीटर 10 से लेकर 100 micron के बराबर होता है। तो मेरे ख्याल में यही पे वीडियो को ख़त्म करता हूँ जी, लेकिन वीडियो को ख़त्म करने से पहले आपसे एक बात करनी है, और वो ये है, मैंने आपको कहीं पे एक रेजोल्यूशन का लफ्ज बताया था, एक मैंने आपको कहा था लीस्ट काउंट होता है और एक होता है रेजोल्यूशन। तो बेसिकली आपको इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, वो मैंने मैसेज बताया था, आप अगर कहें तो इन दोनों को एक ही कंसिडर करें, लेकिन बेसिक फर्क अगर मैं आपको समझाऊं तो लीस्ट काउंट क्या होता है, सबसे कम जो वैल्यू एक चीज जो है मेजर कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक रूलर है तो सबसे कम मेजरमेंट वो क्या कर सकती है, 1 centimeter कर सकती है, नहीं 1 millimeter कर सकती है, या फिर 0.1 centimeter, ठीक है। और रेजोल्यूशन की डेफिनेशन मैंने की थी, द स्मॉलेस्ट चेंज इन इनपुट दैट अ मेजरमेंट कैन, दैट अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कैन डिटेक्ट। इसका मतलब ये है कि वो स्मॉलेस्ट चेंज ऑफ इनपुट जो कि आपके आउटपुट सिग्नल को चेंज करें। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास एक थर्मामीटर है और उस पे टेम्परेचर है जी, लेट्स से 50°C है, अब उसमें जो है थोड़ा सा 0.1 degree वो बढ़ा, ठीक है, तो 50.1 degree हुआ, लेकिन आपको थर्मामीटर ने शो नहीं किया क्योंकि वो उसकी रेजोल्यूशन से कम था। और लेट से वो 1 degree बढ़ा, 51 हुआ, तो अब उसने आपको 51 शो कर दिया, इसका मतलब वो 1 degree जो है वो दैट इनपुट है, चेंज ऑफ इनपुट है जिसके ऊपर आपका आउटपुट सिग्नल चेंज हुआ, इसका मतलब वो 1 degree उसका रेजोल्यूशन है, ठीक होगा। तो इस लेवल पे आपको इसमें जो है कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आप दोनों को एक ही समझें, लेकिन बेसिक फर्क मैंने आपको समझा दिया। ये एंट्री टेस्ट के क्वेश्चंस थे, कितने आसान थे कितने मुश्किल थे आपको जो है समझ आ गए। स्टिल अगर आपके पास अगर कोई जो है तो क्वेश्चन हो तो ये जो कमेंट सेक्शन है ये इसीलिए होता है कि आप कमेंट में सवाल पूछे, मैं उसका जवाब दूँ। हमारा चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है, आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में चैप्टर नंबर 2 वेक्टर्स के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।